कांग्रेस आएगी जी, कोई नहीं आएगा। और राहुल, अंदर थोड़ी बेरोजगारी है और गरीबत थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन देश मजबूत उसने कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है ना महंगाई कोई नहीं बढ़ी है, लेकिन आम जनता के लिए तो बढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब भेड़िया है, सब भेड़िया है। भेड़िया आएगी, जो आएगा तो मोदी आएगा, मोदी के बाद में एक योगी आएगा। 9 साल बेमिसाल, कुछ नहीं है, एकदम झूठ है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। चले बाजार, कुत्ता बोले हजार। अच्छा, गैस सिलेंडर 5,000 का होगा तो तभी सस्ता है, तभी सस्ता है। हाँ। कमा रहे हो? हम तो नहीं कमा रहे ना 1,00,000 रुपए महीना। पांच उंगली बराबर तो नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है और अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुटी हुई है। अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, लेकिन जनता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहेगी या फिर बदलाव चाहती है? जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? हमें भैया क्यों, उन्होंने अच्छा काम किया है? काम किया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दो मिनट तो बात कीजिए। बहुत बढ़िया लगता है आपको भाई? सरकार बनेगी तो मोदी जी की बनेगी, हमें विश्वास है। आपको पूरा यकीन है? यकीन नहीं, विश्वास है। क्यों ऐसा किया इतना कि मतलब उन्होंने क्या, इन्होंने और विदेशों से देखो तुम समझ के कि अपना भारत कितनी ऊंचाई पे आ गया, पहले कितना नीचे था और अब कितना आगे आ गया और देशों से मिला के देखो। क्या चाचा क्या कहना है कि देश जो है काफी आगे? जमीन तो वही है, ऊंचाई पे कहां पहुंच गए? अरे ऊंचाई यार, इसी में तुम वो देखो पहले कितने नंबर पे था, अब कितने नंबर पे कहां जा रहा है कि महंगाई काफी बढ़ गई है? आपको नहीं लगता ना? महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही। महंगाई कौन कह रहा है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई का कौन सी महंगाई बढ़ गई? क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ गई? महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई। हाँ बहुत ज्यादा। अरे महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं नहीं, महंगाई कितनी बढ़ गई? सिलेंडर 1100 का हो गया, हो जाओ 1100 का हो गया तो वो तो जो फूकोगे तो करोगे ही। क्या हुआ? क्या बोला? जब जलाओगे तो वो तो लगेगा ही, ज्यादा जलाएंगे तो ज्यादा ज्यादा लगेगा। लेकिन पहले 400 रुपए में आता था, अब 1200 रुपया भैया तो सस्ता हो रहा है। सस्ता नहीं हो रहा, बढ़िया भैया। महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से बढ़ रही है। मोदी नहीं तो योगी जी बनेंगे, कोई ना कोई इनमें से दोनों में से। मोदी जी के बाद योगी जी? बिल्कुल पक्का। तो आप जा बोल रहे हैं मोदी नहीं बनेंगे तो योगी बनेंगे? योगी बन तो जाएंगे, उनके पार्टनर शिफ्ट है, डबल सरकार इंजन की है उनकी, बाकी आने नहीं चाहिए ये दोनों में से एक भी, यानी हिंदुस्तान का फिर चुनाव प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। बढ़िया काम करें मोदी जी तो तुम्हारे घर में राशन डाल जाओगा। बढ़िया तो यूँ कर रहे हैं, कह रहे 9 साल बेमिसाल। अरे 90 साल भी बेमिसाल नहीं है, 90 साल भी जाएंगे जब भी बेमिसाल नहीं। G20 इसे पहले कभी हुआ? अरे पहले ही बतेरे हुए हैं G20। चाचा क्या कहेंगे, 2024 में बदलाव होगा? हाँ नहीं नहीं, बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो जो है योगी और मोदी की सरकार तो चलती ही रहेगी। कब तक है? जब तक ये जिंदे हैं जब तक चलती रहेगी, तब तक चलता रहेगा। हाँ, तो जो विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है इंडिया, ये कुछ ही नहीं, चल योगी विपक्ष एक हो गया मोदी जी को हराने के लिए, बेस रह जाओ। कहा है महंगाई है नहीं? महंगाई कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। वो कैसे है कि पहले आपको 10,000 मिलते तब मिल रहा 80,000 रुपया तुम कह? हाँ अच्छा, आपको कितना मिल रहा है? आप कितना कमा रहे हैं? 10,000, 1,10,000 मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? ये पहले 400 को सुन रहा था, अब 1100 आता है, कोई परेशानी वाली बात है? अच्छा मोदी जी है ना और सबको तो नहीं मिल रहा ना। अच्छा आप कितना इनकम है, 10 साल पहले कितना कमाते थे? 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हो? हम तो नहीं कमा रहे ना 1,00,000 रुपए महीना, पांच उंगली बराबर तो नहीं है। सरकार की ऊपर है इनकम के ऊपर? क्या सरकार के ऊपर? पहले 10,000 कमाते थे, आप जो है 80,000 कमाते हैं। कैसे कमा रहे पहले इनसे पूछो तो, कैसे कमा रहे हो? मुझे मिल जाते हैं क्या? 33,000 को मुझे पेंशन के मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट के। अच्छा हाँ, जो है लेकिन महंगाई बढ़ी नहीं? कुछ नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ी। सिलेंडर 1100 का हो गया है, महंगाई तो सुनो ना के मुकाबले। हाँ पहले पेंशन जो मिलती थी जो कहते हैं 2,000, 2,500, 3,000, 6,000 बहुत तो बहुत। अब 80,000 मिल रही है पेंशन, अगर 5,000 की पेंशन मिल रही है बताइए। अगर गैस सिलेंडर 5,000 का होगा तो तब भी सस्ता है, तब भी सस्ता है। हाँ देखिए 5,000 का गैस सिलेंडर होगा तो भी सस्ता है। ये इनकी अंधभक्ति है और कुछ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, ये बस ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों अंधभक्ति कह रहे हैं? इनकी मोदी जी के भक्त है, मोदी जी के भक्ति हैं, जब तो ये कह रहे हैं ऐसे। ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। लौंगल क्या लगता है, महंगाई नहीं है क्या?
हाथी चले बाजार कुत्ता बोले हजार। अच्छा बोलिए दो मिनट सही भागी नहीं क्या बोल रहे मतलब अब क्या बोले कहावत तो बोले मई जैसा बोगे वैसा काटोगे मतलब समझाइए ना थोड़ा जनता को अब टाइम नहीं है इतना ही तो सुनो तो सुन तो कह रहे हैं कि आप तो इनकम में उनका आठ गुना हो गया है किनका अभी थे वो सामने चाचा जो अरे वो तो अंडभक्त हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा वो अंडभक्त हैं वो कुछ भी कह सकते हैं बोले कोई कुछ महंगाई नहीं है इनके वजह से सरकार चल रही है क्या कहेंगे कुछ नहीं मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं मोदी योगी जी बढ़िया कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं और जैसे उन्होंने क्या किया सब कुछ किया है यूपी में वोट फोट बैंक सब ग्राउंड किया उन्होंने क्या क्या पांच काम गिना दीजिए पांच क्या रोड बनवाया पीएम किसान सम्मान निधि सब कुछ मिल रहा है तो तब क्या नहीं मिल रहा है किसान सड़कों पे क्यों थे वो तो मतलब फसल उनकी वैसी होगी इसलिए थे और कुछ नहीं है अच्छा महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी महंगाई बढ़ी है आदमी की तनख्वाह भी बढ़ी है महंगाई भी बढ़ी है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपकी तनख्वाह कितनी होगी मेरी तो तनख्वाह कुछ नहीं है इनके कह रहे महंगाई बढ़ी तनख्वाह भी बढ़ी है सुनिए सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है ना महंगाई कोई नहीं बढ़ी है लेकिन आम जनता के लिए तो बढ़ी है जो आम जनता इतनी तनख्वाह नहीं पा रही है 15,000 रुपए या 10,000 रुपए कमा रही है कहने का मतलब सरकारी कर्मचारी सरकार के ही आदमी है बस उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ी है ये इन जैसों के लिए बढ़ी नहीं बढ़ी है इन जैसों के लिए भी नहीं बढ़ी है क्यों इनके 8-8-10-10 मकान है किराए पे आ रहा है इन्हें क्या जरूरत पड़ी है महंगाई के साथ आमदनी भी दुगनी हो गई है अरे तो आमदनी तुम्हारी हमारी करवा दो ना दुगनी 5 रुपए की चाय के पैसे भी नहीं मिलते हमें क्या कहेंगे हमें कुछ नहीं कहना सर क्या लगता है बदलाव होगा 2024 बदलाव तो होगा ही बदलाव तो बिल्कुल पक्का होगा जनता परेशान है क्या बहुत ज्यादा परेशान है जी मोदी जी तो विकास कर रहे हैं आपने कहा देख लिया आपने कहा देखा विकास कहा जा रहा 9 साल बेमिसाल कुछ नहीं है एकदम झूठ है आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं महंगाई बढ़ी है पक्का देश मजबूत किया है मोदी जी ने हाँ जी बिल्कुल मजबूत किया सब तोड़ दिया है क्या तोड़ दिया है सब तोड़ दिया है कुछ नहीं रहा है आप भी देख रहे हैं 9 साल में क्या कर दिया और हम भी देख रहे हैं 9 साल में क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ है ना कुछ होने वाला है बदलाव तो आना ही है कौन आएगा बदलाव में कौन लगता है आपको कांग्रेस आएगी जी कोई नहीं आएगा और कौन कांग्रेस कौन लगा है राहुल नहीं वो तो कुछ भी नहीं है देखो हम तो कहते हैं किसी के दिल में कुछ है किसी के दिल में कुछ है लगता है कि राहुल आएंगे पक्का आएंगे क्यों आएंगे वो दिखते हैं महागठबंधन में तो और भी तो नेता है सीनियर नेता हाँ लेकिन आएंगे यही हाँ महागठबंधन को छोड़ो हाँ कोई नहीं है क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि सब भेड़िया है सब भेड़िया भेड़िया आएंगे जो आएगा तो मोदी आएगा मोदी के बाद में एक योगी आएगा कहा जा रहा है कि एक अकेला शेर सब पे भारी है लेकिन 38 दल वो भी शामिल किए तो गोई तो कह रहा हूँ मैं मोदी के बाद योगी आएगा बाबा बिल्डोजर यूपी का कृष्णा बाबा बुलंदशहर यूपी कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं कोई हिला नहीं सकता हाँ कोई नहीं हरा सकता सब भेड़ यहाँ है कहते ना दूल्हे की बारात में सारे सब खड़े हैं मोदी योगी आएगा भाई लिख के ले लो आप मोदी के बाद में योगी आएगा हमारा बाबा आएंगे क्या कहना है आपको नहीं ये है कि मोदी की टक्कर में कोई नेता है ही नहीं कोई है नहीं। इंडिया के अंदर अगर वो कुछ गलत भी काम करेगा ना वो फिर भी जीतेगा क्योंकि उसके टक्कर का कोई है नहीं और दूसरा ये है वो देश के लिए कर रहा है बेशक अंदर थोड़ी बेरोजगारी है और गरीबत थोड़ी बढ़ रही है लेकिन देश मजबूत उसने कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम है इंडिया का ये कर दिया है और जैसे क्या क्या उन्होंने किया बताइए उन्होंने ये देख लो आज मतलब हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं आर्मी है उससे पूरा वर्ल्ड भी थोड़ा घबरा रहा है जो पहले कभी नहीं घबराता था अब अमेरिका भी सोचता है इससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन चीन जो है नक्शा पे दिखा रहा है जिसमें कह रहा है कि हिमाचल का जो बहुत सारा हिस्सा है वो चीन में शामिल हो गया है चीन कह रहा है लेकिन चीन भी आगे अब कदम नहीं बढ़ा पा रहा इंडियन आर्मी की वजह से क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत पावरफुल हो चुकी है 4 साल के एग्रीमेंट दे रहे हैं और योजना जो है वो दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा मैंने नॉलेज नहीं लिया अग्निवीर के बारे में सुना था 4 साल की नौकरी फौज के लिए उसमें थोड़ा अग्निवीर वाले थोड़े मतलब मोदी सरकार से थोड़े वो है नाराज है उस चीज में वो मैंने सुनी है थोड़ी कि 4 साल के लिए नौकरियां दिया गया है अग्निवीर योजना के तहत जो है फौज में भर्ती होंगे आर्मी तो वो तो आर्मी तो परमानेंट आर्मी भी तो है ना ये अग्निवीर तो अलग है ना नहीं अग्निवीर ही आर्मी ही है लेकिन अग्निवीर योजना के तहत उसकी भर्ती होगी
वो तो थोड़ा गलत है, चार साल के लिए। चार साल वाला तो मैटर गलत है थोड़ा। मान लीजिए 21 साल की उम्र में आपकी ज्वाइनिंग होती है, चार साल के बाद यानी 25 साल की उम्र में आप रिटायर कर जाएंगे, तो वो तो थोड़ा गलत है। उसके बारे में पसंद है, उनकी नीतियाँ पसंद है, उनकी नीतियाँ पसंद है मुझे, उनके जो कड़क जो फैसले होते हैं ना वो बहुत। हमें सर दोनों चीज पसंद है, मोदी भी योगी भी और उनकी नीति भी। कहते ना एक अच्छा ही है उनमें, अच्छा ही है। आजकल के नेता कांग्रेस रही थी, उसने कुछ भी नहीं किया, मानते कुछ भी नहीं किया, गुंडागर्दी। अब देखो यूपी में जाके कुछ भी नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बाबा बिल्डोजर है। क्या लगता है आपको, बदलाव भैया मोदी और कोई ऑप्शन नहीं, कौन है? कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? सोचते क्या है भाई, यही है कि जो इस समय और कौन है इस समय, ना तो राहुल गांधी ना मायावती कोई है, इस समय मोदी है, मोदी है। लेकिन विपक्ष एकजुट हो गया है और काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हैं उसमें। भाई सब चोर हैं वो, सब चोर हैं। हाँ विपक्ष सब चोर हैं वो, चोर चोर मौसेरे भाई, सुना ना वो हिसाब है, वो सब चोर है। कल तक सब दुश्मन थे, आज सब इकट्ठे हो गए ना। कहते हैं ना कि भाई जितने भी लोग थे सब मोदी जी के साथ भी रह चुके उसमें बहुत सारे। भाई वो कुछ भी सही, जीतना मोदी को ही है, चाहे कोई गठबंधन बन जाए चाहे सठबंधन बन जाए, जीतेगा मोदी, वो तो कन्फर्म है ही है। आप भी जानते हो, वो हम भी जानते हैं। महंगाई बहुत है भैया, महंगाई तो बहुत है, कोई महंगाई नहीं है, कह रहे कोई महंगाई नहीं, महंगाई बहुत है भैया। महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ा है। कहाँ इनकम बढ़ा है? इनकम नहीं बढ़ा, कोई इनकम नहीं बढ़ा भैया, इनकम बढ़ा है, कोई इनकम नहीं बढ़ा भैया। क्या लगता है 2024 में बदलाव? अब देखो जो परवाह कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव होनी चाहिए भैया, मतलब आप चाहते हैं? अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन आए तो कुछ चाहते भैया, अच्छे दिन आ गए नहीं अभी? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे उनके शासनकाल में, अभी नहीं आए अच्छे दिन। अच्छे दिन आएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। क्यों नहीं आए आपके अच्छे दिन? अभी अच्छे दिन नहीं आए भैया। आपको बदलाव होना चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए, अच्छे दिन भी आना चाहिए। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।